दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने मिंत्रा के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या चीज है जिसकी वजह से इस कार्ड को लेना चाहिए और लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो किन लोगों के लिए कार्ड ज्यादा यूजफुल नहीं है। इस कार्ड के बारे में आज सब कुछ जानेंगे, इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे और कुछ ऐसी हिडन टिप्स भी मैं इस कार्ड के बारे में बताऊंगा जिससे आप अगर ये कार्ड लेते तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को यहां तक देखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड के सबसे बड़े बेनिफिट की, चूंकि ये मिंत्रा के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है सो मिंत्रा पर ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देता है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है मिंत्रा पर इस कार्ड को यूज करके आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अप टू 750 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। सबसे अच्छी बात यह कि दोस्तों ये एक इंस्टेंट डिस्काउंट है, मतलब आप जैसे ही इससे पेमेंट करेंगे तो आपको वहीं पर ये डिस्काउंट नजर आएगा। ये कोई कैशबैक नहीं है जिसका आपको ट्रैक रखना है अगले महीने आएगा कब आएगा, नहीं आएगा, नहीं आया तो बैंक के साथ फॉलोअप करो। ये मुझे इसमें बहुत अच्छी बात लगी। और दूसरा दोस्तों ये है कि ये क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट है मिंत्रा पर शॉपिंग पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है, मतलब एक ट्रांजेक्शन पर आपको मैक्सिमम 750 रुपए का ही डिस्काउंट इसमें मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए या उससे कम का है तो आपको पूरा 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपका डिस्काउंट जो है वो 750 रुपए पे लिमिट हो जाएगा। बट अगर आपको हर शॉपिंग पे 7.5% का पूरा डिस्काउंट चाहिए तो आप अपना जो स्पेंड है उसको स्प्लिट कीजिए। अगर आपका मल्टीपल प्रोडक्ट्स है किसी ऑर्डर में मिंत्रा में तो हर ट्रांजेक्शन को 10,000 रुपए या उससे कम का ही रखिए और मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में इसको ऑर्डर कीजिए ताकि आपको हर ट्रांजेक्शन पर 750 रुपए का 7.5% का डिस्काउंट जो है वो मिलता रहे। अदरवाइज इस पर मिंत्रा पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको हर ट्रांजेक्शन पर 7.5% का अप टू 750 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो मिलता रहेगा, मतलब इसमें कोई मंथली कैपिंग नहीं है। इसके अलावा इस कार्ड को कुछ प्रीफर्ड ब्रांड है जैसे स्विगी हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया और PVR, इन सब पर इस कार्ड को यूज करते हो तो आपको 5% का रियल कैशबैक मिलता है अप टू 1,000 रुपीज पर मंथ। और इसके अलावा इस कार्ड को आप कहीं भी यूज कीजिए आपको 1.25% का कैशबैक मिलता है विदाउट एनी अपर लिमिट, मतलब चाहे ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो आपको 1.25% का रियल कैशबैक इसमें मिलेगा और यहां पर इस कैशबैक की कोई अपर लिमिट नहीं है। कुछ एक्सक्लूजन्स जरूर हैं हर कार्ड की तरह, इसमें आपको रेंट पेमेंट पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, फ्यूल पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा और एक रिचार्जेस भी इसमें लिखा गया है कि जिस पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा जिसमें मेरे ख्याल से मोबाइल रिचार्ज या DTH के रिचार्ज है वो शामिल होंगे। इसके अलावा इस कार्ड के साथ में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी फ्री मिलेगा। अब कितने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री मिलेंगे वो अभी नहीं कहा गया है, तो मेरे ख्याल से हर क्वार्टर में एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको फ्री मिलना चाहिए इसमें। और लाउंज एक्सेस का नेटवर्क मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक रहने वाला है, जो 6 बड़े सिटीज हैं उन्हीं में लाउंज एक्सेस आपको एयरपोर्ट पर इस कार्ड से मिल सकता है। इसके अलावा एक इसमें माइलस्टोन बेनिफिट भी है, इस कार्ड को यूज करके अगर एक कैलेंडर क्वार्टर में आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का स्पेंड करते हैं तो 2 PVR के मूवी टिकट वाउचर मिलेंगे। हर टिकट की कीमत जो है 250 रुपए की होगी, मतलब 500 रुपए की मूवी टिकट आपको इसमें फ्री मिलेंगे। कार्ड की फी की बात करें तो दोस्तों ये कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है वो 590 रुपया है और रिन्यूअल फी जो है वो भी 590 रुपया GST मिला के, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए ज्वाइनिंग फी जो है अभी वेव ऑफ की जा रही है, मतलब इस कार्ड को आप अभी अप्लाई करते हैं मतलब कुछ लिमिटेड टाइम तक तब आपको इसमें पहले साल में कोई फी नहीं लगने वाली है। और पहले साल में अगर आपने 2,00,000 रुपया से ज्यादा का स्पेंड किया तो सेकंड ईयर में जो आपकी रिन्यूअल फी होती है 590 रुपये की वो भी वेव ऑफ हो जाएगी। बट दोस्तों ये कार्ड अभी अप्लाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी आप इसमें सिर्फ इंटरेस्ट शो कर सकते हैं मिंत्रा के ऐप में जाके, अदरवाइज इसकी अभी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं ली जा रही है। कुछ टाइम में ये चालू हो जाएगा तब आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ये कार्ड कितना उपयोगी है। अगर आप मिंत्रा पर शॉपिंग करते हैं तब तो ये कार्ड आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं क्योंकि यहां पर आपको 7.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। बट अभी ये क्लियरली नहीं पता है कि मिंत्रा की जो सेल आती है और उसमें कोटक के ऑफर्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं जिसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट रहता है अगर कोटक के कार्ड्स को यूज करके आप पेमेंट करते हैं, वो डिस्काउंट जो है इस कार्ड के साथ भी एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा ये अभी क्लियर नहीं है। मतलब 1 जून से जो अभी एंड ऑफ रीजन सेल आ रही है मिंत्रा पर उसमें भी कोटक जो है इनका डिस्काउंट पार्टनर है, तो इस तरह के डिस्काउंट पार्टनर के फॉर्म में कोटक के डिस्काउंट अक्सर रहते हैं। अगर वो नहीं है तो मेरे ख्याल से इस कार्ड को उन सेल के दौरान यूज करने से कोई फायदा नहीं है, इससे बेटर है कि आप कोटक का कोई दूसरा कार्ड रखिए जैसे अभी
प्लैटिनम लीग क्रेडिट कार्ड जो है कोटक का, वो अभी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसको अप्लाई करके रख सकते हैं इस तरह के सेल डिस्काउंट के लिए। अगर वो डिस्काउंट भी कोटक मिंत्रा का जो को ब्रांडेड कार्ड है उसमें मिलता है तो टोटल डिस्काउंट 17.5% हो जाएगा, जो काफी अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से वो नहीं होने वाला है, क्योंकि अधिकतर इस तरह के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स में जो एक्स्ट्रा सेल के दौरान डिस्काउंट रहता है वो नहीं मिलता है। अब दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड जो है सीधा सीधा एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से कॉम्पीट करता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड भी मिंत्रा पर 5% का अनलिमिटेड डिस्काउंट देता है, जिसमें कोई पर ट्रांजेक्शन डिस्काउंट की लिमिट भी नहीं है। तो वहां पर सिर्फ ये 2.5% का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो रह जाता है। बट अच्छी बात यह है कि जो एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है वो एक्सिस बैंक का कभी भी इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर रहता है मिंत्रा की सेल के दौरान, तब आपको 5% का जो कैशबैक है वो भी देता है और 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो भी देता है। इसके अलावा पीवीआर, स्विगी वगैरह पर जो ये 5% का डिस्काउंट कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड जो है वो दे रहा है, वो डिस्काउंट फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड पर भी अवेलेबल है, जबकि उस पर ज्यादा पार्टनर्स अवेलेबल है और कोई अपर लिमिट भी नहीं है, जबकि कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड में जो है 1000 रुपीज की अपर लिमिट है। और अदर स्पेंड की बात करें तो जहां कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड 1.25% का कैशबैक दे रहा है, वहां पर फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड जो है 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक देता है, तो वहां पर क्लियरली एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जो है इससे बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल मेरा ओपिनियन पूछे तो मुझे एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड इस कार्ड से ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि मिंत्रा को छोड़ के तो बाकी किसी भी कैटेगरी में कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड जो है फ्लिपकार्ट को बीट नहीं कर पाता, और इवन मिंत्रा पर भी सिर्फ 2.5% का डिफरेंस है और वहां पर भी एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड में कोई ट्रांजेक्शन या इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा, सेल के दौरान भी एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड आपको अलग से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे देता है, वो बात अभी कोटक मिंत्रा वाले क्रेडिट कार्ड में क्लियर नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है तो ये क्रेडिट कार्ड शायद बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड भी सेम 590 रुपए की एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी के साथ आता है, और उस क्रेडिट कार्ड को इवन कैश करो से आप अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको अलग से 750 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड भी मिल रहा है, तो उसमें तो आपकी जो ज्वाइनिंग फी है वो बहुत इजीली रिकवर भी हो रही है, क्योंकि 500 रुपए का अलग से फ्लिपकार्ट वाउचर भी आपको ज्वाइनिंग ऑफर के फॉर्म में मिलता है एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के साथ में। तो कैश करो का जो ऑफर है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। कोटक का प्लैटिनम लीग क्रेडिट कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री है, वो क्रेडिट कार्ड है तो आपको सेल पे डिस्काउंट भी आपको इजीली मिल जाएगा। बट आप सिर्फ मिंत्रा पर बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो कोटक मिंत्रा जो क्रेडिट कार्ड है वो काफी यूजफुल आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो कोटक मिंत्रा क्रेडिट कार्ड के बारे में, और उसका मैंने कंपैरिजन भी ब्रीफली किया है एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के साथ में और कोटक के प्लैटिनम लीग क्रेडिट कार्ड के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।